देखिए आप जो ये मटेरियल देख रहे हैं ये आपका PSIR ऑप्शन का है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मटेरियल है। इसको हमने ऑनलाइन परचेस किया है, कैसे परचेस किया उसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल बताएंगे। तो इस वीडियो में आपका PSIR ऑप्शनल शुभम मैम का जो नोट्स आता है उससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे इसकी पेज क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, इसके कॉन्टेंट की क्वालिटी और साथ में कैसे इसको परचेस कर सकते हो उसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो को पेशेंस के साथ में देखना। पैकेजिंग क्वालिटी काफी अच्छी आई है, आपने देखी होगी। एंड ये PYQ उसको लेकर एक बुक है, इसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो इसमें आपको रिव्यू करके तो दिखाएंगे, साथ में इससे रिलेटेड आपका जो डाउट्स होंगे, जैसे सुब्रमण्यम मैम का नोट्स लेना चाहिए या किसी और का नोट्स लेना चाहिए, 2019 के नोट्स में और लेटेस्ट नोट्स में क्या डिफरेंस है, प्रिंटेड और हैंडरिटन में क्या डिफरेंस है, एंड आपका बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है वो भी बताएंगे, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा नोट्स है वो भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज बिजन सिंह, वेलकम टू KG मिशन। तो ये हैं सारी के सारे बुक लिस्ट जो आपके PSIR ऑप्शन के लिए हैं। इसमें टोटल 8 बुकलेट हैं, आप देखिए कंटेंट काफी ज्यादा है। आपको डिटेल में इसका सबका इंडेक्स भी दिखाएंगे। पहले आपको सारी बुकलेट दिखा दे रहे हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड वॉल्यूम ये है, एंड ये आपकी थर्ड बुकलेट है, ये आपकी फोर्थ बुकलेट है, ये आपकी फिफ्थ बुकलेट है, ये आपकी सिक्स बुकलेट है, एंड ये आपकी सेवन्थ है, पर ये आपकी एट्थ है। एट्थ वाली बुकलेट तो काफ़ी बल्की है, तो आपको एक एक करके डिटेल में सबका विद इंडेक्स सिलेबस भी दिखाते हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये कितना सिलेबस, कितना कंटेंट कवर करती है, एंड आपका कोई कन्फ्यूजन रहे ना। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट बुकलेट वॉल्यूम वन। इसमें पहले इंडेक्स नहीं आता था, अभी क्या इंडेक्स दे रखा है, और ये पुराने वाले से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखो प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, जो पेज की क्वालिटी है ना ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से इसको परचेस करते हैं तो पेज क्वालिटी इतनी घटिया आती है कि ऐसा लगता है पेज फट जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने शिकायत करी है, रिव्यू आके लिखते हैं तो उससे हमें पता है, और आप देख सकते हो फर्स्ट बुकलेट है इसकी, तो पेज क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी एंड बाइंडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये आपकी सेकंड बुकलेट है, सेकंड का भी आपको कंटेंट दिखा दे रहे हैं, ये आपकी सेकंड बुकलेट का कंटेंट है, एंड ये बुकलेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से है, आप देख सकते हो। ये आपकी थर्ड बुकलेट है, थर्ड बुकलेट का आपको सिलेबस दिखाते हैं। ये देखो सिलेबस और इंडेक्स इस वजह से हम आपको दिखाते हैं जो इंडेक्स होता है, ताकि आप सिलेबस से इसको मैच कर लो। एंड यहाँ पे ये देखो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो राइटिंग है ना इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जिनके पास पुराना नोट्स होगा वो सीधे क्लियरली इसको देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो तो इसको परचेस करके अपना बेनिफिट लेंगे। ये इसकी पार्ट फोर है, पार्ट फोर में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा कॉन्टेंट है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आप आइडिया लगा लो UPSC का जो सिलेबस दिया जाता है PSIR में, एंड जो उसके PYQs हैं उसको एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये देखो काफ़ी अच्छे तरीके से राइटिंग है इस बारे में, तो आप समझ गए होंगे ये भी काफ़ी बल्कि बुक है। एंड ये है आपके नेक्स्ट बुकलेट, ये इसका कॉन्टेंट है, बुकलेट नंबर 5 ये इसका कॉन्टेंट है। इसमें जो थोड़ा थोड़ा कॉन्टेंट है 2019 वाला है, एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको अंडरलाइन कर रखा है। ये देखो ये क्योंकि क्लास नोट्स है तो क्लास नोट्स में इस तरीके से अंडरलाइन किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। एंड ये देखो ये जो 2019 वाला जो नोट्स है ना उसका थोड़ा सा कंटेंट इसमें इंक्लूड किया गया है, जो स्टैटिक जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो चेंज हुआ है वो सारा का सारा आपको दिख ही रहा है। देखिए आपका ऑप्शन चाहे जो भी हो, लेकिन आपको UPSC के PYQs सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा UPSC के PYQs के लिए ओसवा पब्लिशिंग की बुक है, 28 ईयर्स के इसने UPSC के टॉपिक वाइज सारे सोल्यूशन दे रखे हैं। देखो इसमें CSAT का भी कवर किया गया है 2011 से लेकर 2022 तक, सारे के सारे टॉपिक वाइज हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे कंसेप्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से दे रखा है, आपको इसका शॉर्ट रिव्यू करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे देखो कंटेंट दे रखा है स्टार्टिंग में, हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, एंड यहाँ पे आप देखो सी सेट को भी इसमें कवर किया गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। ये स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कर रखा है, सिलेबस दे रखा है UPSC का जो भी सिलेबस है। देखो इन्होंने ट्रेंड को एनालिसिस कर रखा है कि पिछले 28 साल में हर एक सब्जेक्ट के कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, उसका ट्रेंड को पूरे एनालाइज कर रखा है। यहाँ पे CSAT को इन्होंने एनालाइज किया है, तो अगर आप एक बिगनर हैं, आपको पता नहीं है कुछ भी, तो आपके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल रहेगी। और देखो कोई भी चीज़ दिखाते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे ईयर वगैरह सारा देखा है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, यानी पहले 2022, 2021, 2020 जो भी क्वेश्चन आ रखे होंगे, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन हैं आपके, है ना, उसके जस्ट बाद में सबका आंसर्स यानी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो भी अच्छी डिटेल्स के साथ में। प्रिंटिंग क्वालिटी, पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाइंडिंग आप देख ही रहे हो, आप जानते ही हो उसवाल पहले से भी काफ़ी ट्रस्ट वर्ती रहा है आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो 12th तक प्रिपरेशन करते हुए हैं। उसवाल की तरफ से CSAT के लिए भी ये दो बुक्स आती हैं, एंड NCERT के लिए तो हम रिव्यू कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पचा कोटल ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स 6 से लेकर 12th तक के सारी NCERTs को उन्होंने शॉर्ट में NCERTs की समरी दे रखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये वाली जो बुकलेट है आप यहाँ पे देख सकते हो फेडरलिज्म, यहाँ पे पूरा कंटेंट दे रखा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, 2019 वाला जो नोट्स है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है,
क्योंकि इसमें भी ज़्यादा चेंजेस आए नहीं हैं। जो भी चेंजेस आते हैं आपके करंट अफेयर में आते हैं, स्टैटिक पार्ट लगभग सब सेम रहता है। ये आपके सेवन्थ बुकलेट है, सेवन्थ बुकलेट में कंटेंट चेंज है, यानी आपके फोर्थ और फिफ्थ बुकलेट में चेंज नहीं है। ये इसका कंटेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एंड आप इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, पेज क्वालिटी देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी एट्थ बुकलेट है, ठीक, इसमें भी आप देख सकते हो उस चीज़ को। ये जो बुकलेट है काफ़ी बल्क है, स्टार्टिंग में उन्होंने आपको बताया था, एंड क्योंकि ये आईआर को लेकर है, इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें कवर किया गया है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है। देखो ये यहाँ पे लिख रखा है लेक्चर नंबर 126, क्योंकि क्लास के नोट्स हैं तो क्लास के नोट्स लेक्चर वाइज ही चलते हैं। पूरा का पूरा कंटेंट है इसमें। ये देखो, इसके साथ में आपको करंट अफेयर को लिंक करना ही करना होगा। अब आपको बताते हैं टोटल एट बुकलेट्स में कितने सारे पेज हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है आप सबके लिए। तो फर्स्ट बुकलेट में आपके करीब करीब 250 प्लस पेज हैं। जो आपकी सेकंड बुकलेट है उसमें आपके करीब करीब 315 पेज हैं, है ना। और आपकी थर्ड बुकलेट है उसमें 325 पेज हैं, फोर्थ बुकलेट है इसमें 400 पेज हैं, फिफ्थ में आपका 260, सिक्स में आपका 315, और ये 260, और ये 400 है ना। तो आप इसको काउंट कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा कितना कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात आती है, ये इसको लेकर एक PYQs की बुक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप एक ही बुक से काम कर सकते हो। ये इस नोट्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और ये फर्स्ट टाइम है कि कोई भी PYQs की बुक इसके साथ नोट्स के साथ फ्री दी जा रही है। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे 1989 से ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, यानी आप अंदाजा लगा लो पिछले कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 2020 का पेपर है, इसमें आपका पहले इंग्लिश में दे रखा है, उसके बाद फिर आपका हिंदी में दे रखा है, ये हिंदी में हो गया। तो आप आराम से समझ सकते हैं, ये बुक इसके साथ फ्री दी जा रही है और काफ़ी आसान तरीके। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो नोट्स है पुराने वाले की तुलना में कितना बेहतर है। देखो, जो पुराना नोट्स था शुभरंजन मैम का, वो 2019 का नोट्स था, ये आपका 2022 का है, 22 समझो या 23 समझो, क्योंकि 22 के बाद में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। इसमें पहली बात तो आपका जो कॉन्टेंट है वो अपग्रेड हुआ है, कुछ सारा डेटा है वो चेंज हुआ है। दूसरी चीज़, कंटेंट बड़ा है, क्योंकि पहले आपकी 6 बुकलेट आती थी पतली पतली, अभी आपकी 8 बुकलेट होगी वही मोटी मोटी। हमने आपको इसके पेजेस भी दिखा दिए, इसमें कितने सारे पेजेस आते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट कि इस नोट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हो PSR ऑप्शन में, एंड इसके साथ में आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, तो बुक लिस्ट के बारे में अब आप सुनिए। PSR ऑप्शन नोट्स के साथ पहली बुक है वो है लक्ष्मीकांत, आप GS के लिए भी इसको पढ़ोगे तो इसको आप काउंट कर सकते हो। दूसरी जो बुक है वो है आपकी OP गाबा की बुक। तीसरी जो बुक है वो है आपके DD बसु की बुक, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो बुक है, आप उसको पढ़ना। और ये तो देखो, ये जो हमने बताई है बुक लिस्ट आपको, ये आपका बिगनिंग लेवल की है, यानी आप नोट्स पढ़ोगे और इन बुक्स को पढ़ोगे, करंट अफेयर कवर करोगे, आपका लगभग काम चल जाएगा। अगर आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी, तो जब आपकी इतनी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, यानी बिगनिंग लेवल और बीच का लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल, तब आप एडवांस पर जाओगे। एडवांस की टेंशन अभी से मत लो, अभी से परेशान मत हो, आप इतना कवर करो, साथ में टेस्ट सॉल्व करो। अब आपको बताते हैं आप इसको कैसे परचेस कर सकते हो। तो परचेस करने का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस तरीके की इंटरफेस पहुंचोगे। यहां पहुंचने के बाद में आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, नीचे प्राइस दिख रहा है, उसके उस पर आप बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अंदर जाओगे, तो वहां पर आप अपना नेम, डिटेल, एड्रेस फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके पास ये आराम से पहुंच जाए। नीचे आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो, या तो ऑनलाइन अभी पेमेंट कर सकते हो, या कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आपका कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा, हम आपको बोलेंगे कि वेबसाइट ट्रस्ट बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हम कई सारे नोट्स परचेस कर चुके हैं। साथ में आपको जो PYQs वाली जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है इस नोट्स के साथ में। इससे कुछ टाइम पहले हम हिंदी मीडियम का जो नोट्स है राजेश मिश्रा सर का आता है, यानी राजनीतिक शास्त्र, यानी PSIR ऑप्शनल हिंदी मीडियम का जो नोट्स है, उसको कुछ टाइम पहले हम रिव्यू किए थे, आप उसको चेकआउट कर लेना अगर हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट हो तो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोनों का। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी वीडियोज आगे फ्यूचर मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना, और जो हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको अगर राजेश मिश्रा सर का नोट्स देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लो, राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी और ऑप्शनल हैं आप उन वो सारी प्लेलिस्ट को पूरा चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।